हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। दिस इज़ पार्ट वन एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी पार्ट टू। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज़ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, और डिग्री, वी विल टॉक अबाउट डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, दैट हाउ पॉलीनोमियल्स आर डिवाइडेड, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल एंड जीरो पॉलीनोमियल। सो आज के वीडियो का ये कंटेंट्स हैं, हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। सो अब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स, ये दोनों टर्म्स भी हमने, जो मेरा वीडियो था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने पढ़ा हुआ है। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, जैसे 2, 7, 8, जो भी ये न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट है, मतलब आप इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी हर सिचुएशन में, हर केस में। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? नेम से क्लियर है, वेरिएबल मतलब उनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। द वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, जैसे एक्स, वाई, ए, एम, हम असाइन करते हैं ऐसे वेरिएबल्स। जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो हम ये वेरिएबल्स यूज़ करते हैं मोस्टली। सो दीज आर वेरिएबल्स, हम इनकी वैल्यू खुद देते हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। सो दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर कॉन्स्टेंट, बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स मतलब उनका कॉम्बिनेशन, जैसे 7x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2a, मतलब ये आप देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट्स भी हैं 7, 3, 2, वेरिएबल्स भी हैं एक्स, वाई, ए, और ये जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स हैं, ये कैसे सेपरेटेड हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस, डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। सो जो भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये टर्म्स इनसे सेपरेटेड होंगे। सो दैट इज़ नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होते हैं? हमने टर्म्स के बारे में भी पढ़ा था। टर्म्स क्या होता है? जब भी ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनकी मदद से दो ये टर्म्स सेपरेट हो रही हैं। इस प्लस साइन की वजह से ये 3y सेपरेट है और ये 7x सेपरेट हुआ। सो दिस 7x इज वन टर्म और ये 3y दूसरी टर्म। सो हमारी टर्म्स कैसे सेपरेटेड हैं? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय दिस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर हम इनको भूल जाएं तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारी टर्म्स क्या हैं? 7x कॉमा 3y कॉमा 2a। तो ये तीनों हमारी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, लेकिन जो एक्सप्रेशन में हमने इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट किया। सो दिस इज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो अब हमारा टॉपिक आता है, व्हाट इज़ पॉलीनोमियल। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे क्लासिफाइड है, हमने टर्म्स के बेसिस पे देखा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सो देर आर ऑल्सो पॉलीनोमियल। तो अब पॉलीनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? ऑल जो पॉलीनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन पॉलीनोमियल में डिफरेंस क्या है? कुछ कंडीशंस हैं जब ही वो एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल होगा। क्या कंडीशंस हैं वो? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पॉलीनोमियल। सो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 7x प्लस 3y माइनस 2a, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब ये पॉलीनोमियल है या नहीं है हम कैसे पता करें? पॉलीनोमियल की डेफिनेशन है कि जो वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है वो, या फिर या तो वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, जैसे अंडर रूट वाई, ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है उस पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, और हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और जो वेरिएबल की जो पावर होगी, जैसे पावर क्या होती है, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, ये पावर होती है। सो जो इसकी पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए।
सो दीज आर थ्री कंडीशंस जिनकी हेल्प से हम पॉलीनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्लासिफाई कर सकते हैं. सो अब जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है 7x पावर 3 प्लस 2y 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 3a. ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. नो डाउट ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन है और दे आर सेपरेटेड बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो डाउट. लेकिन अब ये पॉलीनोमियल है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे? अब आप यहाँ पे देख सकते हो x की पावर है 3. 3 इज़ अ होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इनको होल नंबर्स बोलते हैं. तो ये x की पावर होल नंबर में, सो इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन. नेक्स्ट टर्म में जो y है वो डिनोमिनेटर में है. y डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. हमारी थ्री कंडीशंस थी पॉलीनोमियल्स के लिए. एक जो वेरिएबल, ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन वेरिएबल, हम यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहे हैं. वेरिएबल पे जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए. वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी अंडर रूट ऑन वेरिएबल. सो अब यहाँ पे इसकी पावर होल नंबर है, ओके. सो यहाँ पे लेकिन जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर का क्या मतलब है? इसको मैं लिख सकती हूँ 2y माइनस 1. हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था जब भी किसी की पावर माइनस वन होती है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इन द डिनोमिनेटर. सो इसका, इस 2y का क्या मतलब है? 2y पावर माइनस वन. तो अब देखो पावर क्या है? होल नंबर नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर. होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड दे कंटिन्यू टिल द लास्ट. लेकिन ये होल नंबर नहीं है माइनस वन. माइनस वन इज अ नेगेटिव इंटीजर. सो हमारी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. यहाँ पे होल नंबर नहीं है इसलिए एक पॉलीनोमियल नहीं है. दैट्स वाई ये जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलीनोमियल नहीं है. क्लियर? तो रिमेंबर दीज थ्री कंडीशंस. पावर होल नंबर होनी चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए वेरिएबल पे, और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस. ऐसे ही सारे पॉलीनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इट इज़ ट्रू ऑल द पॉलीनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलीनोमियल्स नहीं होते बिकॉज पॉलीनोमियल्स हैव स्पेशल कंडीशंस फॉर दैट. सो अब पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, इसके भी नेम से हम कुछ हिंट देख सकते हैं. जैसे वन वेरिएबल मतलब कि पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है. जैसे 7x माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर. यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज़ x. अगर ऐसे हुआ जैसे 7y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2a. सो ये पॉलीनोमियल है लेकिन ये पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. वन वेरिएबल मतलब पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलीनोमियल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए. यहाँ पे y भी है, x भी है, a भी है, थ्री वेरिएबल्स हैं. इसलिए ये है पॉलीनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, ये है पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. सो अब टॉपिक है डिग्री. डिग्री क्या होता है? डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलीनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं. जैसे 7x क्यूब माइनस 2x पावर 8 प्लस 9x पावर 11. तो अगर आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल, मतलब इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री कैसे आप पता करोगे? सबसे पहले देखो कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर किसकी. यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 8 है, यहाँ पे पावर 11 है. सो व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर? 11. सो हमारी डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन की? 11. 11 इज़ द डिग्री. ओके, सो लाइक दिस वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एनी पॉलीनोमियल. अब ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे 7 प्लस 8 पार 8x पार 3 माइनस 2x पार 13. सो अब ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 7 है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. व्हेन एनी सिंगल कांस्टेंट इज़ रिटन इट मींस x की पार 0 है.
देयर इज एक्स विद इट, बट उसकी पावर क्या होगी? जीरो. जब भी आपके पास कोई कॉन्स्टेंट लिखा हो और उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, इट मीन्स जो वेरिएबल है पूरे एक्सप्रेशन में उसकी पावर जीरो है इसके साथ. अगर यहाँ पे सिंपली सेवन लिखा है, तो सेवन के साथ एक्स होगा लेकिन उसकी पावर होगी जीरो, क्योंकि वी हैव स्टडीड दिस इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑल्सो. एनीथिंग पावर जीरो इज कॉल्ड वन. किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल जिसकी पावर जीरो होगी उसको वन बोलते हैं. इट इज़ क्लियर टू यू? ये आपको पता ही, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा भी हुआ है. सो किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर जीरो है, इट मीन्स वन. अगर यहाँ पे आप एक्स पावर जीरो लिखोगे तो इट मीन्स वन. सो सेवन इंटू वन इज सेवन ओनली. सो यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप सिंगल कॉन्स्टेंट के साथ भी एक्स लिख सकते हो लेकिन उसकी पावर क्या होगी? जीरो. ओके, सो नाउ डिग्री वी हैव डन. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिया, डिग्री डिस्कस कर ली. नाउ इस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कैसे क्लासिफाइड हैं? सो फ्रेंड्स, जो पॉलिनोमियल्स हैं वो दो बेसिस पे डिवाइड हैं, एक टर्म्स और एक डिग्री. हमने जो मेरा जो वीडियो था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेस पे देखी थी. लेकिन अब पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे. One is terms and other is degree. मतलब polynomials को हम दो basis पे categorize या फिर classify कर सकते हैं. So terms के basis पे mainly we have three types. So first type is monomial. Monomial. Second type is binomial. थर्ड टाइप इज ट्राइनोमियल. सो ये हैं हमारे थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, जैसे 7x प्लस, जैसे 7x हैं, ओनली देर इज वन टर्म इन द एक्सप्रेशन. सो ये क्या है? मोनोमियल. क्योंकि मोनोमियल में हमेशा एक टर्म्स होती हैं. मोनोमियल आर द पॉलिनोमियल्स विच ओनली हैव वन टर्म. सो यहाँ पे एक ही टर्म है 7x, सो इट इज़ अ मोनोमियल. बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, मतलब जैसे 3y, यहाँ दो टर्म्स हैं, इट मीन्स इट इज़ अ बाइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स, -2a, थ्री टर्म्स, सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल. सो ऐसे बेसिस पे ये टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है. अब आते हैं डिग्री. डिग्री के बेसिस पे मेनली दे आर कैटेगराइज इंटू फोर टाइप्स. सो फर्स्ट टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर. सेकेंड टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड फोर्थ टाइप इज क्वार्टिक पॉलिनोमियल. क्वार्टिक पॉलिनोमियल. सो ये क्या है? ये फोर टाइप्स हैं, लीनियर, क्वार्टिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक. मतलब अब हमें क्या एक्सप्रेशन में डिग्री देखनी है. डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हमें वेरिएबल सेम लेना पड़ेगा. जैसे सो यहाँ पे अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वन. यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वन से ज़्यादा पावर नहीं है. मतलब हमारी इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? वन. सो विच एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैविंग वन डिग्री, डिग्री वन, दैट आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स. मतलब जिस पॉलिनोमियल में डिग्री वन है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री टू है. इफ वी हैव डिग्री टू, देन दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर. यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है. मतलब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट जो डिग्री है वो थ्री है. मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? थ्री. मतलब डिग्री क्या है? थ्री. डिग्री थ्री है, मतलब इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्वार्टिक पॉलिनोमियल में द डिग्री इज फोर. मतलब जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो है फोर.
सो डिग्री इज़ फोर, डिग्री फोर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टिक पॉलीनोमियल. सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स. ओके, सो ऐसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं. अब दो टाइप्स और आते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल और जीरो पॉलीनोमियल. सो सबसे पहले कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल. कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल के नेम से ही क्लियर है, कॉन्स्टेंट मतलब पूरे पॉलीनोमियल में सिर्फ कॉन्स्टेंट ही टर्म्स है, कोई भी वेरिएबल नहीं है. जैसे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल का एग्जांपल 7 + 2 - 3. सो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब कि रिड्यूस करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, इट विल बी 7 + 2 - 9 - 3 - 6. क्लियर? यहाँ पे ये अब आप देख सकते हो पूरे पॉलीनोमियल में सिर्फ कॉन्स्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, ए एम कोई भी वेरिएबल नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल. वेरी सिंपल. अब आते हैं जीरो पॉलीनोमियल. जीरो पॉलीनोमियल और कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल भी वेरी, दे आर वेरी रिलेटेड. वॉट इज जीरो पॉलीनोमियल? जो कॉन्स्टेंट जीरो भी तो एक कॉन्स्टेंट है, जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो स्पेशली जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलीनोमियल. जीरो पॉलीनोमियल. सो जीरो इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, बट स्पेशली अगर टर्म में जीरो है देन वी विल कॉल इट जीरो पॉलीनोमियल. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ द चैप्टर पॉलीनोमियल्स. ये पार्ट एक टाइप ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन था. इसमें हमने सारी टर्म्स को डिस्कस किया. पार्ट टू में हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे डिविजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स एंड पॉलीनोमियल्स एंड ऑल. तो जो बाकी के टॉपिक्स रह गए वो पार्ट टू में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो. वी विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज ऑन अनदर टॉपिक्स एज वेल. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.